माय मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा रिलेशनशिप सीरीज़ का डे 5। तो आज आपको क्या करना है, आपको आज अपने पार्टनर को एक लेटर लिखना है। ये आपको रियल में नहीं लिखना है, ये आपको खुद ही लिखना है अपने पार्टनर को। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस ऐड करने हैं, जो भी आपको गिला है, शिकवा है उनसे, जो भी आपकी लड़ाई झगड़े का रीज़न है, जो भी आप में प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको उस लेटर में आपको ऐड करना है। ऐड करके आपको जो भी अंदर आपके चल रहा है, जो आप अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स लेकर बैठे हुए हैं, जो आप खुद महसूस कर रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ गलत किया, वो सब कुछ आपको उस लेटर में लिखना है। कहने का मतलब ये है कि आपको सब कुछ जो आप अंदर भर के बैठे हो ना, उनके लिए गुस्सा, नफरत, जेलसी, जो भी आप उनके लिए आपके अंदर है नेगेटिव वाइब्स के लिए, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर हैं, उन सबको आपको उस लेटर में लिखना है। अपने हर थॉट, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो गुस्से से भरा हुआ है, चाहे उसमें कैसे भी वाइब है, उस सबको आपको उस लेटर में लिखना है। ठीक है, आपको ऐसे महसूस करना है कि ये लेटर मैं अपने पार्टनर को लिख रही हूँ, मैं उन्हें अपने दिल की बात बता रही हूँ या बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। आपको अंदर से अपने गुबार को बाहर निकालना है। जब आपने लिख लिया, आप टाइम लेकर लिखो। ठीक है, ऐसे मत करना कि आपने दो लाइन लिख दी और कंप्लीट हो गया। नहीं, आप प्रॉपर टाइम लो कि ठीक है, मुझे उनसे ये वाला गुस्सा है, मुझे उनसे इस बात पे गुस्सा है, हमारी लड़ाई का मेन रीज़न ये था, मैं उन पे शक करती थी, मैं उनसे लड़ाई करती थी, हमारे बीच थर्ड पार्टी है, वो कोई सा भी पर्सन हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या वैसे कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। जो भी आपकी लड़ाई का रीज़न है, आपके झगड़ों का मेन कारण, जो भी चीज़ है, उसे आप एक्सप्रेस करो लेटर में, उसे लिखना शुरू करो। और जब आपने प्रॉपर टाइम लेकर लिख लिया, तो लास्ट में आप क्या लाइन लिखोगे, आप लिखोगे कि ठीक है, जो भी ये आज तक मैंने आपके साथ किया है, हमारे रिश्ते में जो भी आज तक हुआ है, उसे मैं आज इसी समय ख़त्म करती हूँ या ख़त्म करता हूँ, और मैं अपने नए रिश्ते के लिए रेडी हूँ। मेरे मन में, मेरे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे रिश्ते के लिए प्यार है, पॉजिटिविटी है। मुझे पता है कि हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग है। आपको ऐसे लिखते हुए उस लेटर को ख़त्म करना है, और उसके बाद आपको उस लेटर को रीड करना है वैसे ही फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जैसे आपने लिखा था। उसे आपको ऐसे ही एक बार रीड करना है, और रीड करके अगर आप एज अ सेफ्टी उसे यादों के लिए रखना चाहते हो तो रखो, बट मैं बोलूँगी कि आप रखना मत। आपने उसे लिख लिया, अपने अंदर की सारी फीलिंग को आपने बाहर निकाल दिया, अपने गुस्से को बाहर निकाल दिया, उसके बाद अभी आपको क्या करना है, उस लेटर को जला देना है। उसको जलाते समय ये फील करना है कि अभी मेरे अंदर उनके लिए जो भी चीज़ थी, जो भी गुस्सा था, हर्ट थी, जो भी मैंने उनकी रोई हूँ, जो भी हमारे बीच रीजंस थे लड़ाई के, वो आज इस लेटर को जलाते ही ख़त्म हो गए हैं। मेरे अंदर अब उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्यार है, पॉजिटिविटी है, और हमारा रिश्ता इसे जलाते ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। आपको ये सिर्फ एक टाइम प्रोसेस करनी है, वो आप आज कर लो। अगर आपको फिर भी ऐसे ही थॉट्स आते हैं तो आप कर सकते हो, 2 टाइम कर लो, 3 टाइम कर लो, ठीक है। बट जब आपने इस प्रोसेस को कर लिया, उसके बाद जब भी आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, उसे आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और आपको बोलना है कि मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग है, मेरे पार्टनर अब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स को बोलना है। जब आप ऐसे करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखना कि जो सामने वाले पर्सन के अंदर भी आपके लिए गुस्सा, नफरत,
जेलसी, लड़ाई झगड़े के लिए आप उनके अंदर आपके लिए गुस्सा था वो ख़त्म होने लगेगा और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट रह जाएगी और वो पर्सन उतनी ही तेज़ी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। करके देखो, बहुत सिंपल है, एक बार करो, दो बार करो, अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप कर लो, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग शांत होगा, आपके दिमाग में जो कचरा आपने भर के रखा हुआ है, जो शिकायत का कचरा आपने भरा हुआ है, वो रिलीज हो जाएगा और आपका माइंड हील हो जाएगा, आपकी बॉडी हील हो जाएगी और सबसे बड़ी चीज़ आपका रिश्ता हील हो जाएगा। आपको ये लेटर को मैं बार बार बोल रही हूँ, एक बार भी लिख सकते हो, टू टाइम भी लिख सकते हो, थ्री टाइम भी लिख सकते हो, तब तक कर सकते हो जब तक आपके माइंड से उनके लिए जो भी नेगेटिव थाट्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ ना हो जाए। जब वो रिलीज़ हो गई, आपको हल्का महसूस होने लगेगा, आप रिलैक्स फील करने लगेंगे, आपको आपके पार्टनर के लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत आएगी, खुशी आएगी, प्यार रहेगा, ठीक है। जब ऐसा फील करने लगे और आप खुश रहने लगेंगे, जो अदर प्रैक्टिस है उन्हें साथ साथ करते रहो, फिर भी अगर दिन के टाइम कभी भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसे उसी समय पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ये बोलो कि अभी मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग है, मेरे पार्टनर अब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से हर रोज़ बात करते हैं, ठीक है। आप इन अफर्मेशंस का यूज़ करो और आप मैजिकल रिजल्ट्स देखना, आपको इतने ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे ना कि आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी। इस लेटर को करके देखो, अपने सारे गुस्से को बाहर निकालो, जो आपके अंदर 24 घंटे गुस्सा चलता रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उन्हें लिखकर जला दो। ये महसूस करो कि ये मैं खुद के पार्टनर को लिख रही हूँ, उन्हें मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है और मैं उन्हें बताकर इस चीज़ को ख़त्म कर रही हूँ। ऐसे करते ही वो चीज़ आपके अंदर से चली जाएगी और आपका रिश्ता ऐसे करते ही इमिजिएटली उनके माइंड से हील होना शुरू हो जाएगा, आपके माइंड से हील होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो उसके रिजल्ट्स आपके सामने आने लग जाएंगे। सो करके देखो, बहुत अमेजिंग वाला मज़ा आने वाला है आपको करते ही। सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आप खुश रहने लग जाओगे, आपका माइंड शांत होने लग जाएगा। जब हम खुश रहने लगते हैं तो हर चीज़ हमारी तरफ बहुत ईजीली अट्रैक्ट होने लगती है। सो करो मज़े मज़े में और आपको डेफिनेटली अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर valuable time. Thank you, thank you, thank you.